वैल्यू देना चाहते हैं, अपने प्लेयर्स को उतना वैल्यू करना चाहते हैं जितना हम मेंस क्रिकेट को करते हैं. सो बिफोर आई अनाउंस द स्क्वाड फॉर द T20 इन ओडीआई, आई जस्ट लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स. फर्स्टली वेलकम एवरीबॉडी एंड बिहाफ ऑफ द सिलेक्शन कमेटी माय टू टीम मेंबर्स. एंड बिफोर आई अनाउंस द स्क्वाड, आई लाइक टू से दैट एज अ चीफ सेलेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. जी आई विल, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डू दैट, ऑल आई डू दैट एज़ वेल. सो एज अ चीफ सेलेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट गिव्स अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ वो और जो ये अभी हमने तीन मैचेस कराए, टू सी एक्सपीरियंस्ड टैलेंटेड प्लेयर्स. 24 का जो पूल हमने अनाउंस किया था उसे चूज करने के लिए बहुत हमें मज़ा आया देखने के लिए, द काइंड ऑफ एनर्जी द यंगस्टर्स ब्रॉट टू द साइड एज वेल. एंड ऑल्सो वी फील वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान की लड़कियों की टीम, जो हमने हिस्टोरिक सक्सेस ऑन दैट, क्योंकि हमारी टीम का एक ऐसा फॉर्म अप आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट हो रहा है दैट साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट वी कैन ओवरहॉल. जो प्रीवियस ICC चैम्पियनशिप है उसमें हम बहुत नैरोली साउथ अफ्रीका से हारे थे 1-2, एंड एट द मोमेंट द ICC चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान इज ओनली 1 point एंड 1 place बिहाइंड साउथ अफ्रीका. तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द ODI चैम्पियनशिप, कि अगर हम इंशाल्लाह इनको यहाँ पर बीट कर सकते हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी. जहाँ तक T20 के 5 matches का सवाल है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, और उसको देखते हुए भी हमने जो है एक प्लान शेप दिया है कि हमारे पास अगले 8 महीने हैं टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड कम अप विद अ वेरी गुड स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया. इसके बाद थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगी कि विद द न्यू विजन दैट द PCB इज़ गिवन अस, इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर वुमेंस क्रिकेट. जब चेयरमैन मानी साहब का, MD साहब का जो एक विजन है, हम सब ऑन बोर्ड हैं उस विजन के साथ टू टेक वुमेंस क्रिकेट बेटर. पहले जो होता था हम उस पर बात नहीं कर रहे, वे मूविंग फॉरवर्ड विद द सपोर्ट opportunity and resources that we have, I think Pakistan in the next few years can become a very good force to reckon with in terms of women's cricket. और हर चीज़ के लिए obviously हमें time देना पड़ता है. कुछ चीज़ें जो BCB already कर चुका है, that is we've improved the camp allowances, we've improved the daily allowances, and as in line with the men, the Pakistan women's cricket team की जो लड़कियाँ हैं, they will also be flying business class. So it is just about adding value and importance and giving that value to our own players. इस सब में कलेक्टिवली ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है टू ड्राइव दिस फोर्स जहां हम लेके जाना चाह रहे हैं इसको. सो विथ मार्क कोल्स, द सिलेक्शन कमेटी, द चेयरमैन, द MD एंड द प्लेयर्स, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, बिकॉज आई बिलीव दैट पाकिस्तान टीम एक आइंदा आने वाले सालों में विद इन top 4 आ सकती है इफ़ वी डू इट द वे वर सेइंग. एंड लास्टली ऑब्वियसली आप सब लोगों की सपोर्ट के बिना हम इस चीज़ को वहाँ तक नहीं लेके जा सकते हैं, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द सपोर्ट दैट आई सी टुडे, कि विद दिस सपोर्ट एंड ऑल आर एफर्ट्स टुगेदर वी कैन टेक पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टू एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, ताकि हम अपनी लड़कियों को आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों में कम अज़ कम इस पूल ऑफ प्लेयर्स को हम डबल कर सकें. सो होपफुली हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई विल कंटिन्यू टू गो ऑन विद द सिलेक्शन ऑफ द स्क्वाड फॉर बोथ द मोबाइल टर्न डेटा विद बोथ द ODI एंड द T20 स्क्वाड. ODI स्क्वाड के अंदर आई जस्ट टेल यू, वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमारे 15 players लेके जा रहे हैं साउथ अफ्रीका. सो देयर इज़ 1 extra player हियर. सो बिस्मा मारूफ विल बी द कैप्टन, नाहिदा खान, जवेरिया रऊफ, सिद्रा अमीन, जवेरिया वदूद. शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग? ओके. सो बिस्मा मारूफ कैप्टन, नाहिदा खान, जवेरिया रऊफ, सिद्रा अमीन, जवेरिया वदूद, उमैमा सुहेल, निदा डार, आलिया रियाज, कायनात इम्तियाज, सिद्रा नवाज, सना मीर, नशरा संधू, डायना बेग, एमन अनवर एंड रामीन शमीम. इन द T20 स्क्वाड देर विल बी 1 change, दैट नाहिदा खान विल बी रिप्लेस्ड बाई इरम जावेद एंड द अदर 14 members इंक्लूडिंग रामीन रिमेन द सेम. And the 4 reserve players are Muniba Ali, Saba Nazir, Fatima Sana, and Fariha Mahmood. So, if there's any questions, the floor is open to all relevant questions possible. Thank you. Please, अपना इरम जो है, sorry, Anam Amin इसमें नजर नहीं आ रही. फिर मैं सवाल पूछता हूँ, क्या वजह? Anam Amin की fitness was unfortunately a very poor standard. वो fitness के 4 disciplines में fail हुई थी. एंड उनकी जो इकोनॉमी रेट है दैट ऑल्सो डजेंट मैच अप, सो दैट इज़ अ सिंपल चॉइस.
सवाल मेरा ये है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था, अगर आपको याद हो, डॉटिंग को भी आउट किया, उसके अलावा भी कंटेन भी करती रही। और फिटनेस की आपने बात की, सना का यो टेस्ट ले लें लास्ट, इसके बाद इरम का ले लें, जवेरिया रऊफ़ का ले लें, इन सब के भी ले लें, तो ये 15वीं क्रॉस बमुश्किल कर पाई हैं। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक तरफ टीम में 5 से 6 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी फिटनेस लेवल नहीं था लेकिन वो टीम में आ गई हैं, परफॉर्मेंसेज भी उनकी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी, और मीनवाइल जो परफॉर्मर है उसको जो है नहीं दिया गया फिटनेस को जवाब बना के? ओके शेर भाई, वी हैव द स्टैट्स इन फ्रंट ऑफ अस। अनम अमीन की फिटनेस वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में और वर्स हुई है, और बाकी हम 4 डिसिप्लिन में इसको नोट करते हैं। अनम की चारों डिसिप्लिन में ऑन द पुअर साइड है, और ये आप पेपर मुझसे ले भी सकते हैं, और बाकी जितने भी आपने नाम मेंशन किए हैं उनमें से कोई भी 2 से ज़्यादा इस कैटेगरी में नहीं है, एंड ऑल द रेस्ट हैव इम्प्रूव्ड, सो दैट इज़ अ सिंपल जस्टिफिकेशन फॉर दैट। नेक्स्ट प्लीज। कैसे देख रहे हैं साउथ अफ्रीका की विकटें हैं और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशन है उनकी, वुमेन ज़्यादा खेल ली है तो कितना टफ रहेगा वेस्ट इंडीज़ से? तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, अब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की वुमेन को कहाँ देख रही है, रीड कर रही है जो लड़की जा रही है? जी देखें, साउथ अफ्रीका की टीम नो डाउट विद दैट पेस अटैक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट। उनकी कुछ प्लेयर्स बिग बैश लीग और सुपर लीग भी खेलती हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज वो हमसे एक स्टेप आगे हैं, बट सो इज़ वेस्ट इंडीज़। तो हम अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें और जो प्रेपरेशन, अगर जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, उसके बीच में हमने अपनी ट्राइंगुलर सीरीज़ कराई, अभी एक T20 ZTBL का टूर्नामेंट हुआ है, और अभी इस वक्त ODI मैचेस हो रहे हैं, सो आई बिलीव कि जो प्रैक्टिस हमारी रही है दैट बी अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर, और इसी चीज़ को वेस्ट इंडीज़ की विन को अगर हम लेके चलें, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी एंड वी बिलीव दैट वी कैन टर्न द टेबल्स टू विनिंग द सीरीज। अच्छा उरूज, ये बताइए कि वहाँ बाउंसी ट्रैक्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ऐसे नहीं है, जहाँ आप प्रिपरेशन करते हैं तो क्या ये मैटर नहीं करता कि उसी पर प्रैक्टिस की जाए? बिल्कुल ऑब्वियसली देखें, जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा डेवलप करें कि हम अपने कहते हैं वांट के हिसाब से उस तरह से विकेट्स डेवलप कर सकें। एंड अगेन रिमेंबर, साउथ अफ्रीका इज़ द बैक एंड ऑफ द सीरीज़, उनकी पिचेस भी खेल खेल कर, तो जहाँ तक हमारे फॉर इंस्टेंस अगर डायना है, हमने उन विकेट्स पे जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारी वो रिसोर्सेज डेवलप नहीं होंगी। वी हैव लॉट्स ऑफ अदर स्ट्रेंथ्स इज वेल एंड दैट इज समथिंग दैट वी गोना वर्क ऑन इट एंड इट विल टेक टाइम। बट हैविंग सेड दैट, जो साउथ अफ्रीका का पेस अटैक है वो हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी फेस किया है, हमने उनके खिलाफ सीरीज भी खेली है, सो वी आर वेरी वेल अवेयर एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रूज इबादुल्लाह खान, इंडियन न्यूज़ से ताल्लुक है, पहले आप सिलेक्शन कमेटी में होती थी, अब चेयरमैन बतौर चेयरमैन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, टीम का ऐलान कर रही हैं, तो कितना कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी टीम के ऊपर? और जैसे आपने कहा कि पूल बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी जो पूल है 24 लड़कियों का, तो उसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी ने जो इंतखाब किया जिसका, तो कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? जी बिल्कुल, देखें एट द मोमेंट जो हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स हैं हमने उसमें से बेस्ट यूटिलाइज करना है। दो तरह का डिस्कशन है, ऑब्वियसली जहाँ हम बात करें पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाने की उसमें हमें टाइम लगेगा, बट इस वक्त गिवन ऑल द स्टैट्स फिगर्स फिटनेस माइंडसेट एटीट्यूड उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिस इज़ द बेस्ट 15 पॉसिबल एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट। उरूज मुजम्मल फ्रॉम एआरवाई, मेरा सवाल ये है कि वी हैव बीन सीइंग सो मेनी ओल्ड फेसेस इन पाकिस्तान टीम, आप सिलेक्शन कमेटी अब वुमेन फॉर्मर वुमेन क्रिकेटर्स पे कंप्राइज कर रही है, तो कैन वी एक्सपेक्ट सम न्यू फेसेस? अभी आपकी पहली सीरीज है तो ठीक है, लेकिन कैन वी एक्सपेक्ट न्यू फेसेस अहेड? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगर आप 24 को ही उठा के देख लें, फातिमा सना, कायनात हफीज, रूप शाह, रामीन शमीन इज एक्चुअली मेड टू द पाकिस्तान साइड, तो अगेन मेरी वही वाली बात, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास पीछे स्ट्रेंथ अवेलेबल क्या है। मे बी अगर आपने मुझसे दो साल में अगर सवाल पूछें, जब हमारे पास प्लेयर पूल 24 से 48 हो जाए, जो प्रॉपर प्लेयर पूल है, यू विल प्रॉब्ली सी मोर चेंजेस। बट जस्ट द फैक्ट दैट 24 के अंदर भी हमारे पास कम से कम 6 ऐसे नए नाम थे एंड वन ऑफ देम इज एक्चुअली मेड इट टू द पाकिस्तान साइड इज अ वेरी बिग थिंग। उरूज ज़ुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़, क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा और कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि अभी हमने देखा आपके यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी, जो टीम आपने सेलेक्ट की है इसमें 50 ओवर्स की अगर बात करें हम, तो ना इसको 50 ओवर्स पूरे खेलने की एबिलिटी नज़र आई हमें, ना टीम को आउट करने की एबिलिटी नज़र आई, मतलब ये कि कैसे आप उसको देखेंगी? लेकिन ज़ाहिर है कि डेफिनेटली ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस तो T20 के ऊपर होगा, और व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्ट इंडीज़ सीरीज तो वो तो उसमें अच्छा रिजल्ट आया, तो क्या होप और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं,
اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نیو ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو نیو ٹیلنٹ آپ یہاں پر آپ کی بچیاں پریکٹس کر رہی تھیں ٹریننگ کر رہی تھیں ادر ہینڈ کے اوپر کراچی کی بچیاں جو ہے پریکٹس کر رہی تھیں لیکن دے وار آئسولیٹڈ تو وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ دیٹ سی آئی اونلی جسٹ کم انٹو دی سلیکشن جو آپ بات کریں کہ جو الگ پریکٹس کرتی ہے آئی ایم ناٹ ا پارٹ آف اٹ سو وی آر ٹرائنگ ٹو میک تھنگز بیٹر سو لیٹس فرگیٹ اباؤٹ واٹس ہیپنڈ ان دی پاسٹ جہاں تک ہم یہ بات کریں فار اس دی او ڈی آئی سیریز از مور امپورٹنٹ دین دی ٹی ٹوینٹی سیریز بیکاز دی او ڈی آئی سیریز کیریز چیمپئن شپ پوائنٹس او ڈی آئی سیریز میرے نزدیک اس وقت زیادہ ضروری ہے تبھی آپ دیکھیں گے او ڈی آئی اسکواڈ میں ہم نے زیادہ چینجز نہیں کہ ان فیکٹ ایک اسپنر ایڈ بھی کیا ہے سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از نیسسری ٹی ٹوینٹی کی سیریز جہاں تک آپ نے بات کی دیٹ از امپورٹنٹ ایٹ دا مومنٹ تاکہ ہم اس کو ایز اے پریپریشن یوز کر سکیں مے بی ان ٹرمز آف ٹرائنگ نیو تھنگز از ویل کہ ہم آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو ابھی سے ایک شکل دینا شروع کریں ایک اور آپ نے جو بات کی کہ آپ کو یہ لگا نہیں آج تو ڈو ریممبر اس میں 24 لڑکیوں کی ہم نے ٹیمز بیلنس کر کے پچھلے ہم دو ایک ہفتے سے یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنا بیسٹ تو آج بسمہ اور ناہیدہ کی 184 رنس کی پارٹنر شپ تھی تو دا بیٹرز ریلی پلیڈ ویل ٹوڈے تو دین دس از اے چیلنج یہ ہماری بولرس کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے 50 اوور میں ابھی اس وقت 290 کے قریب اسکور تھا تو ہمیں تو اس بات سے اچھا فیل ہونا چاہیے کہ ہمارے دو ایسے بیٹرز جو ہمارے 15 کا حصہ ہیں وہ 184 کی پارٹنرشپ کر رہے ہیں سو اٹ از اے چیلنج فار آر بولرس ٹو بریک دیٹ پارٹنرشپ اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ہماری پلس وی ہیو اے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ جن کا اور ہمارا بہت بڑا ایک پلر آنے والے ٹائم پہ فٹنس ہونے والا ہے بٹ ویل آبویسلی ہیو ٹو گیو دیم دا ریسورسز ٹو ڈو سو ایز ویل میں جاوید اقبال ہوں آج ٹی وی سے آپ سے میرا سوال ہے آپ سمیت تینوں سلیکٹر بہت تجربہ کار ہیں پاکستان ٹیم میں کافی عرصہ کھیلا آپ لوگوں نے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا آپ لوگ سلیکٹرس کے بجائے پاکستان ٹیم میں کوچنگ کرتے وومینس کو بھی کمفرٹ ہوتا اب وہاں پہ میل کوچز ہیں یہاں پہ وومین سلیکٹر ہیں عجیب سا ہے کھلا تضاد ہے جاوید بھائی دیکھیں اٹ ڈزنٹ میٹر میرے حساب سے ایٹ لیسٹ آئی فیل جینڈر شوڈ ناٹ بی دی ایشو اٹ شوڈ بی دی ایکسپرٹیز آف اے پرسن تو اگر اس وقت اگر ہمارے پاکستان سیٹ اپ میں کوئی اگر لیول 2, 3, 4 واٹ ایور دا ریکوائرمنٹ از یا ایکسپیرینس والی فیمیل کوچ موجود نہیں ہے تو اٹ از اوکے یہ ہمارے پلان میں ضرور ہے جہاں ہم انسینٹیوائز کی بات کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے پلیئرس کو یہ اپرچونیٹیز دیں ان کو گروم کریں کہ مے بی دا نیکسٹ فیمیل ول بی اے پاکستان فارمر پلیئر اور اے فیمیل کوچ تو اس وقت ہمارے پاس چونکہ سو یو ہیو ٹو یوز فرام دا بیسٹ دیٹ یو ہیو عروج مجھے بتایا آپ نے دو تین دفعہ یہ بات کی یو مینشن دس کے لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ اور فرگیٹ دا پاسٹ واٹ ایکچولی آر یو ریفرنگ ٹو وین یو سے دیٹ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ اور فرگیٹ دا پاسٹ کیا ریفرنس ہے جی میرا ریفرنس صرف یہ کہ اگر ہمارے پاس پہلے ریسورسز نہیں تھیں جس کی وجہ سے اگر کچھ ہوتا تھا تو لیٹس ناٹ میک دیٹ اے پوائنٹ آف ڈسکشن اگر ہم آگے جا رہے ہیں تو لیٹس پک اپ دا گڈ تھنگس فرام دا پاسٹ اینڈ ٹیک دیم فارورڈ لاٹس آف پیپل ہیو ورکڈ امینسلی فار ویمنس کرکٹ جن کی کنٹریبیوشنز کو ہم بھول نہیں سکتے بٹ جہاں تک اگر چونکہ جس طرح میں نے ڈیلی الاؤنسز کی بات کی فلائٹس کی بات کی باقی چیزوں کی بات کی سپورٹ اسٹاف کے بڑے ہونے کی بات کری اگر ہم اس ریسورس پول کو بڑھا سکیں تو دا ریزلٹ شوڈ بی بیٹر ان دا فیوچر بدیو زبان نیوز ون سے عروج یہی اہم باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کپتانی میں پسند ناپسند کو دیکھتی تھیں اس طریقے سے آپ چیف جب سلیکٹر بنی ہیں تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ٹیلنٹ کے بجائے آپ پسند ناپسند پہ جا رہی ہیں تو اس خبروں میں صداقت ہے آپ مجھے اگزامپل دے دیں کہ میں نے کس کو ٹیلنٹ کے بیسس پہ چھوڑا اس لیے میں نے سنا میں نے آپ سے پوچھ لیا آپ مجھے نام دے دیں امیمہ سہیل از ان دا اسکواڈ اب انم امین کا آپ نے فٹنس کا کہہ رہی ہیں لیکن تو جی بولیں انم امین جیسے آپ کہہ رہی ہیں فٹنس پرابلم ہے لیکن میرے خیال میں لیفٹ آرم لیگ اسپنر اس سے بہتر کوئی ہے نہیں اگر تھوڑا سا فٹنس کا پرابلم تھا تو اتنی بڑی سیریز کے لیے اس کو لے جایا جا سکتا اس کے آپ اسٹیٹس اگر دیکھ لیں تو نہ اس کی وکٹس کالم پچھلے ایک سال میں یہ بات جسٹیفائی کرتی ہے نہ اس کی اکانومی ریٹ یہ بات جسٹیفائی کرتی ہے اینڈ اف یو لک اپ دی اسٹیٹس اٹس اے سمپل آنسر اس کے علاوہ منیبا کا نام لیا جا رہا تھا لیکن وہ بھی ڈیزرو میں منیبا کیونکہ وی ہیو بیٹر بیٹس مین دین منیبا جویریا روف نے پرفارم کیا ہے ان دا 3 میچز ایز ویل ایز دا ٹی 20 سیریز اور اس مائی نیم از زائد غفار آئی ایم فرام یور نیوز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ خود کی کرکٹ کھیلا کرتی تھیں ایز اے بیٹر تو آپ نے 38 میچز کھیلے اگر آپ کے کرکٹ ریکارڈ پہ نظر ڈالیں تو آپ کا صرف 14 کا ایوریج ہے آپ نے 9 T20 کھیلے اور ایک ٹیسٹ کھیلا ہے تو آپ کا جب کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو پی سی بی نے جو یہ ذمہ داری دی ہے چیف سلیکٹر کی تو یہ اس سے مطمئن ہے اس سے آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ صحیح کہ آپ بہترین چوائس ہیں چیف سلیکٹر کے لیے یا کسی اور کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے زیادہ بہتر ہوتا اف پی سی بی ہیز میڈ ڈیسیشن ہم تین یہاں بیٹھے ہیں آپ نے جو اسٹیٹس کی بات کی اگر میرے زمانے میں ویمنس کرکٹ اتنی ہی ہوتی تھی اور اتنی ہی میچز کی اپرچونیٹی ملی ہے وی ور پلینگ ان اے ڈفرنٹ ٹائم وتھ ڈفرنٹ ریسورسز سو آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اینی آف دیٹ
बट ये कहीं पर भी ये नहीं कि जो इस अलाइनमेंट में जिस वक्त हम चल पड़े कि जिस एक्सपीरियंस 2017 तक लेटेस्ट मेंबर यहाँ पर मौजूद है. सो अगर आपको इस डिसीजन से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई, आई बिलीव वी आर ऑल वेरी वेरी पैशनेट एंड ऑनेस्ट टू द गेम एंड दैट शुड बी इनफ ऑफ रीजन. इसके अलावा आई थिंक द पीसीबी मैनेजमेंट विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. जी 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 देखिए जो इस वक्त के जो करंट स्टैट्स हैं हम उसी पे तोल सकते हैं. जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज रही हैं लीडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, देन द वर्ल्ड कप, देन द ट्राइंगुलर, देन द वेस्ट इंडीज एंड द T20 टूर्नामेंट राइट नाउ, हम इस वक्त जो प्लेयर करंटली उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जिसका एटीट्यूड और माइंड सेट पॉजिटिविटी है, जिसने आगे बढ़ना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल. अच्छा जी शोला, वो ज़्यादा बात कर रहे हैं कि हम ड्यूअल जॉब्स जो हैं वो नहीं करने देंगे लोगों को, ड्यूअल रोल जो है वो ख़त्म करेंगे. आप क्रिकेट कमेटी में भी शामिल हैं, क्या क्रिकेट कमेटी ख़त्म हो गई है कि आपकी सिलेक्टर भी बन गई हैं और साथ ही साथ आप एक टीवी चैनल पे शो भी गालबन होस्ट करती हैं, तो ये मतलब तीन तीन जॉब्स, अगर वो तीन नहीं तो एटलीस्ट दो जॉब्स तो आप किसी भी अंदर ही फोल्ड में कर रही हैं. तो इंट्रोडक्शन तो नहीं जी, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो टीवी शो मैं करती थी वो अगस्त 2018 के बाद मैंने नहीं किया. आई एम नॉट अटैच टू एनी चैनल, सो दैट लेट्स मेक दैट क्लियर. सेकेंडली जहाँ तक आपने बात की क्रिकेट कमेटी की, दिस यू कैन प्रॉब्ली आस्क द मैनेजमेंट एज टू व्हाट दैट डायरेक्शन इज़ विद द क्रिकेट कमेटी, बिकॉज आई हैव बीन हायर्ड एज अ चीफ सेलेक्टर. द पीसीबी क्रिकेट कमेटी इज जस्ट एन एडवाइजरी कैपेसिटी, तो व्हाट दैट डायरेक्शन इज़ विद एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम लास्ट डिसम्बर में मिले हैं, उसके बाद हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है. सो आई थिंक वी विल वेट ऑन टू सी कि वो उस चीज़ को किस तरह से डायरेक्शन देते हैं. आई हैव नॉट बीन अप्रोच्ड इन टर्म्स ऑफ दैट, तो वो जब पता चलेगा तो आई थिंक वी विल ऑल फाइंड आउट. अरूज, आप सिलेक्शन कमेटी की चीफ सेलेक्टर हैं, इससे पहले आप सिलेक्शन कमेटी भी थी, जालुद्दीन उनको लीड कर रहे थे, जब उनको हटाया गया लाजमी उनका जो मुद्दत ख़त्म हुई उसके बाद हटे, लेकिन इतलात आई कि उनको कुछ तहफ़ात थे कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है और उन्हें हटाया गया, एक बात ये होगी. दूसरा, अब्दुलरकीब साहब जो है वो मैनेजर थे, उनके हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि उन्हें भी जो है वो कह रहे हैं कि साजिश हुई है, उन्हें एक बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के जो है वो हटाया गया, और इल्ज़ाम ये हो रहा है कि मार्क कोल्स के ऊपर कि वो वन मैन शो बनना चाह रहे हैं, तमाम तर इख्तियारात अपने पास रखना चाह रहे हैं और आयशा जलील साहब को मैनेजर बना, तो इस तमाम तर सिनेरियो को एज अ चीफ सेलेक्टर आप कैसे देख रही हैं? अगेन दिस इज़ पास्ट माई ज्यूरिसडिक्शन. आई मीन देखें, ये पीसीबी के फैसले हैं, पीसीबी के डिसीजंस हैं, जलाल साहब की जो एफर्ट्स हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी एज अ चीफ सेलेक्टर रोल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. उनके चीफ सेलेक्टर होते हुए हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया है, उन्होंने वो टीम सेलेक्ट की थी, सो जो उनका ड्यू क्रेडिट है दैट गोज. क्यों किसी को हटाया, उसके पीछे क्या वजूहत थी, क्या तरीक़ेकार था, आई एम नॉट आंसरेबल टू दैट, नॉर वॉज इट नॉर इज़ इट माई डिसीजन और नॉर शुड आई बी मेकिंग अ कॉमेंट. येस, आई वुड लाइक टू से दैट आयशा जलील अलाइंस परफेक्टली विद द वुमेन साइड. इट ओनली मेक सेंस कि एक पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की मैनेजर एटलीस्ट फीमेल हो. देर इज़ अ लॉट ऑफ सेंसिटिव इशूज दैट यू नीड टू रियलाइज, सो दैट इट नीड्स टू बी हैंडल्ड. सो आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट चॉइस. किसी को क्यों हटाया, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मेक अ कॉमेंट ऑन दैट. आप उनके साथ रही हैं तो क्या समझती हैं जो उनका जो रवैया था खिलाड़ियों के साथ जलालुद्दीन का या सिलेक्शन के वास्ते, तो कंफर्ट थी आपकी? आई वाजंट देयर, आई वाजंट देयर. एनीबॉडी एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू. जी जी जी, अभी भी कंटिन्यू होगा या फिर वो जलालुद्दीन साहब के जाने के बाद? नहीं नहीं, देखिए आई थिंक इट वाज वेरी वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड प्लान. देखिए हमने कहीं ना कहीं अगर हमारे ग्रास रूट लेवल से डेवलप करना है, हमें कहीं तो शुरू करना था. इट वाज वंडरफुल आइडिया, जोनल अकेडमीज चल भी रही हैं, बट अगेन एट द मोमेंट इट इज़ टू सून कि हम इसको फर्दर किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे. एंड आई डू प्रॉमिस एज एंड व्हेन वी गेट अपडेटेड वी लेट यू गाइस नो. बताएं कि विमेन टीम के बहुत कम जो डोमेस्टिक सर्किट में इवेंट्स होते हैं वो बहुत कम हैं, तो क्या ऐसी कोई सजेशन आपने पास की है या करेंगी कि विमेंस को ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए गेम्स के, जैसे लड़कों को मिलते हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियस वो हमने करना है. हमने अभी नेक्स्ट प्लान भी करना है जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, उसमें इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन, जिनके पीछे एक बेस रीज़न भी होना चाहिए. हमें कोई चीज़ करा रहे हैं उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए. सो वी ट्राइंग टू अलाइन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिससे हमें बेस्ट फ़ायदा हो सके और लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले. प्लस जैसे मैंने पहले कहा, वी ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज प्रोफेशनलिज्म एट द डोमेस्टिक लेवल. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक लेवल पे लड़कियों को मैच फीस देना शुरू करें ताकि हम खुद अपने प्लेयर्स को वो वैल्यू दें. अच्छा, मुरीद के ही एक वेन्यू है जहाँ पर फीमेल के ज़्यादा मैचेज होते हैं, तो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ, काफ़ी मतलब ज़्यादातर वहीं पर हुए हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जिस तरह मुल्तान में और दूसरी अकेडमीज़ में होते हैं इस तरह से करवाए जाएं? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अब मुरीद के में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. इफ़ यू नोटिस द करंट सीरीज वाज आल्सो इन इस्लामाबाद,
इस वक्त हम मुल्तान में भी मुल्तान में भी एक हो चुकी है फरवरी में, कराची में हुई है ट्राइंगुलर, इस्लामाबाद में हुई है, कराची में हो रही है. सो आई थिंक वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच आदिल भाई. एक्सेलरेटर.